मेरे इस क्लास में कोई बच्चा शैतानी नहीं करेगा, क्योंकि मुझे बच्चे की शक्ल लेके पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी आप अपनी साड़ी ठीक नहीं कर रही हैं। चुप कर बदतमीज, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मेरे कपड़ों पे नहीं। चलो बच्चों, ये बताओ कि हाथ में कितनी उंगलियां होती है? मैडम जी 6। बेटा पैंट से हाथ बाहर निकाल के गिनो। सॉरी मैम, सॉरी 5 होती है। आप अगला क्वेश्चन पूछो। सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है? नौजवान लड़की के दूध में। वो कैसे? क्योंकि मैम उस पर मुँह लगाते ही शरीर के उस हिस्से में भी जान आ जाती है जहाँ पे हड्डी तक नहीं होती। चुप कर बदतमीज, ज्यादा ना बोले क्लास से बाहर निकाल दूंगी। बच्चों ये बताओ, हम इन मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं? अपने अपनी राय दो। मैम वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम इतना छोटा कोंडम बना ही नहीं सकते। ये लड़का तो बदतमीज है, और कोई लड़का है जो बता सकता है कुछ? नहीं मैम, आप अगला क्वेश्चन पूछ लो। चलो तो बच्चों ये बताओ, हैप्पी मेरा दूध नहीं पीता है, इस वाक्य में हैप्पी क्या है? मैडम जी हैप्पी तो चूतिया है, आप एक मौका हमें दो। बदतमीज लड़के, मैं वाक्य बोल रही हूँ, तू क्या समझ रहा है? शांति से बैठा रहना, बाहर निकाल दो क्लास से। सॉरी मैडम, सॉरी, मैं तो कुछ और ही समझने लग गया था। मैडम जी आप अगला क्वेश्चन करो, ये तो दूसरे जो हमारे सर हैं टकले सर, उनको भी ऐसे परेशान करता रहता था उल्टा सीधे जवाब दे के। आप अगला क्वेश्चन करो मैम। बच्चों ये बताओ, बिकनी क्या है? मैं बोलूं मैडम? ना बेटा ना, तू ना बोल, तू तो उल्टा सीधे जवाब देता रहता है, तू बदतमीज है, तू बैठा रह शांति से। मैम मेरे को तो पता नहीं है। बेटा आप बताओ। सॉरी मैम, मुझे भी नहीं पता। चल बेटा अलमन, तू ही बता दे क्या बोल रहा था तू। मैडम जी सवाल एक बार दोबारा पूछ लो, मेरे दिमाग से निकल गई। बिकनी क्या है बताओ जरा। मैम बिकनी वह पोशाक है जिसे पहनने के बाद लड़की का 10% बदन ढका रहता है और 90% बदन खुला रहता है, फिर भी सभी लोगों की नज़र जो 10% बदन ढका रहता है उसी जगह रहती है, उसे बिकनी बोला जाता है। बेटा अलमन, मुझे तो लगता है कि तेरी ही नज़र उस 10% वाली जगह पर रहती होगी। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप ऐसे मेरे बारे में गलत सोच रहे हो आप। बेटा तेरे बातों से मुझे पता चल गया तू कितना शरीफ है। चलो बच्चों, आज की क्लास ख़त्म होती है, अब अगली क्लास में मिलेंगे हम।